शनि और मंगल दोनों ही क्रूर ग्रह माने जाते हैं। जिस भी राशि के ऊपर इन दोनों की टेढ़ी नजर पड़ जाए तो जीवन में परेशानियों का आना तय है। वर्तमान में शनि अपनी स्वराशि कुंभ में और मंगल अपनी स्वराशि मेष में विराजमान है। देवघर के ज्योतिषाचार्य पंडित नंदकिशोर मुद्गल ने इस स्थिति के बारे में क्या बताया है, आइए जानते हैं। देवघर के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित नंदकिशोर मुद्गल ने लोकल 18 के संवाददाता से बातचीत में बताया कि शनि की तीसरी दृष्टि मेष पर पड़ने जा रही है, जो बेहद अशुभ मानी जाती है। शनि और मंगल की इस अशुभ दृष्टि के कारण कर, कन्या, तुला, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को खासा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यह प्रभाव 12 जुलाई तक रहेगा। हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। अभी वर्तमान में शनि जो है वह कुंभ राशि पर विराजमान है, अपनी राशि पर, और वहाँ से उनकी दृष्टि जो है वह पूर्ण दृष्टि सातवां घर पर रहता है और दसवां घर पर, लेकिन दृष्टि तीसरे घर पर भी होता है। तो तीसरे घर पर दृष्टि जो है, तीसरे घर में मंगल विराजमान है। शनि की दृष्टि तीसरे मंगल पर पड़ रहा है, मंगल मेष राशि पर विराजमान है, तो इससे पांच राशि वालों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी और शारीरिक कष्ट भी होगा, भाई से विवाद होने की संभावना है। तीसरा जो होता है और भाई का घर सहज घर है, इसलिए भाई से भी विवाद हो सकता है। कर्क राशि के जातकों के ऊपर शनि और मंगल का नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, आर्थिक नुकसान का योग बन रहा है, कोई भी जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको भारी नुकसान दे सकता है। 12 जुलाई तक कोई नया कार्य शुरू न करें और किसी को पैसा उधार न दें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय तनावपूर्ण हो सकता है, घर में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, पिता की सेहत खराब हो सकती है और शत्रु परेशान कर सकते हैं, आर्थिक हानि और मानसिक तनाव भी होने की संभावना है। तुला राशि के जातकों के लिए दुर्घटना का योग बन रहा है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, चोट चपेट की संभावनाएं अधिक हैं, मन में चिड़चिड़ापन हो सकता है और माताजी की सेहत खराब रहने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं, व्यापार के सिलसिले में लंबी और खर्चीली यात्रा करनी पड़ सकती है, किसी भी कार्य को पूरा करने में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। छोटी छोटी विवादों से दूर रहें और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। मकर राशि के जातकों के लिए व्यापार में आर्थिक हानि का योग बन रहा है, जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आने वाले हैं, छात्रों का पढ़ाई से मन भटक सकता है और कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में नहीं हो सकता है, मन को एकाग्र और शांत रखने की कोशिश करें। विवाद के लिए इसमें पांच राशि ज्यादा प्रभावित होने जा रहे हैं। पांच राशि जो है वह है कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक और मकर। ये पांच राशि वालों की परेशानी विशेष रूप से बढ़ जाएगी। उपाय: शनि और मंगल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए शनि मंदिर जाकर सरसों का तेल अर्पण करें और शनि स्तोत्र का पाठ करें। यह उपाय नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक हो सकता है। इससे बचने के लिए शनि स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दें, तभी आपका कल्याण हो सकता है, नहीं तो फिर शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी और शनि और मंगल दोनों पूरक ग्रह है और दोनों पूरक ग्रह जो है वो पांच राशि वालों को परेशान करते रहेगा, इसलिए उससे बचने के लिए शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।